माय गॉड, थैंक यू जजी। मेरी दादी जी के लिए सोनी टीवी ने जो मोटरसाइकिल का प्रॉमिस किया था मुझे लगता है ये वही है। कहीं इसमें भारती तो नहीं? इतना बड़ा थोड़ी है भारती आ जाए। जल्दी दिखाओ यार, बहुत मन हो रहा है। खुल जा सिम सिम। आज बॉक्स में से ऐसी गिफ्ट आएगी कि इतनी खुशी हो जाएगी। इतनी खुशी, और आज गोविंदा सर अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। प्लीज वेलकम गोविंदा जी, सुनीता मैम एंड जीना। ओह माय गॉड, आदि अब लग रहा है कि असली दिवाली इंडियन आइडल में आज हो रही है। इंडियन आइडल पे एक से एक कलाकार देखने मिलते हैं और मैं क्या कहूं कि किस में कितना दम है। यहां तक पहुंचे हम, यहां तक पहुंचना क्या कम है। एक प्रॉमिस आज हम पूरे इंडिया से करते हैं कि गोविंदा जी का परिवार और इंडियन आइडल का परिवार मिलके आज इतनी मस्ती करेगा, इतनी मस्ती करेगा कि पूरे देश में दिवाली का आनंद छा जाएगा। सर, सुनीता जी का फेवरेट हीरो आपके अलावा? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी। किसने बोला आपको? सुनीता जी को किस चीज से डर लगता है? इसे पानी से। गलत जवाब दे रहा है यार, शादी किया ना मेरे से। चलिए दिवाली स्पेशल शुरू करते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट। जीवन है जिनकी किताबों की यात्रा, अनुष्का पात्रा। एक मिनट, ए अनुष्का कहाँ है? अरे आदि, आप हमेशा बुलाते हो ना। हाँ जी, मैंने थोड़ा अनुष्का का चेंजेस करवाया इस बार। ओह माय गॉड, मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखो जी मैम, कि अनुष्का का नया रूप। नया रूप? अनुष्का को भेजो, अनुष्का को। अरे ये अनुष्का ही है। आज इन लोग सब बहुत आपको नजर लगा रहे हैं, तो मैं आपको जरा काला टीका लगा दूं। अभी तो बनता है सच में, किसी का नजर बच्चे को ना लगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। क्या खूबसूरत लग रही है वो चश्मा और शर्ट और जीन्स के पीछे। इतनी प्रिटी, इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की है। ओह माय गॉड मैम, ये आपके आपके बिना कैसे पॉसिबल हो सकता था। मैं ऑडिशन से देख रही हूँ, मैंने बोला ये दिवाली का मौका है, थोड़ा चेंज करते हैं, लेट हर लुक लाइक अ गुड डिवा। भैया मैं पूरा ड्रेसअप हो गया, तब मैं ना चश्मा पहनने वाली थी, तो मैम ने कहा कि नहीं चश्मा आज नहीं पहनना है तुम्हें, तो चश्मा उतार दिया मैम ने, अभी तो मुझे कुछ दिख रहा भी नहीं है। तो चलिए अनुष्का, एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए, तालियां। बिल्कुल। सर मैं आपको बता दूं कि अनुष्का के जो पापा हैं, यस, वो आपके फैन नहीं सर, वो आपके एसी हैं सर।
दीवाने हैं आपके सर, आप स्टेज पे आइए सर, आज दिवाली है। नमस्कार। नमस्कार। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, मैं सर को सही देख रहा हूँ क्या? सर कुछ दिन पहले, करीब 5-6 महीना पहले कोलकाता गए थे, तो हम लोग पूरा झुंड बना के गया था, लेकिन सिक्योरिटी इतना टाइट था आपको टाटा भी करने पाया सर। ऐसा ही सिक्योरिटी आपकी बेटी के लिए लगेगा। सर एक बात कहना चाहूँगा, आपका बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे नंबर वन, हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, अनाड़ी नंबर वन, बहुत सारे फिल्म, आंटी नंबर वन, बहुत आधा दर्जन नंबर वन, बोलूंगा तो हाँ बोलूंगा तो खत्म ही नहीं होगा। उसमें से एक डायलॉग मैं चुन के रखा हूँ। और मैं जब भी फुर्सत मिलता है मैं चिपकाता हूँ। अभी फुर्सत है सर, चिपकाता हूँ का क्या मतलब? चिपकाइए सर, चिपकाइए। हाँ हाँ मैं चोर हूँ, मुजरिम हूँ, कातिल हूँ। आप लोग भी मुझे समझते हैं मैं बुरा आदमी हूँ, लेकिन कोई आदमी जानबूझ के बुरा नहीं बनता है। कोई चोर जानबूझ के चोरी नहीं करता है, कोई डाकू जानबूझ के डाका नहीं डालता है। वाओ। कोई तवायब जानबूझ के अपने जिस्म को नहीं बेचता है। ओ वाओ। वक्त और हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं बुरे काम करने पर। और आपको मालूम है मैं किस लिए चोरी किया, क्यों चोरी किया? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चिच्ची की एक और फेवरेट सिंगर है चिच्ची की, नेहा। तो मैं चाहती हूँ नेहा और चिच्ची एक बार डांस मैं भी देखूं जरा कैसे होता है आप लोग। क्या बात है, और नेहा चिच्ची और पूछ पूछ। चलो ओ जाए, ओ जाए, ओ जाए। सिखाना पड़ेगा चिच्ची आपको, आ जाएगा ना। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेल पूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। हाँ रस्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है आप एज एन आर्टिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माहौल, ये जो समा इस वक्त फिल्म लाइन में है, बहुत कम लोग हैं जो इसे संभाले हुए हैं, उसमें एक आप है। ऐसा दिल चाहिए अच्छे आर्टिस्ट का कि किसी का गम देख के, तकलीफ देख के आपके आंसू निकल आते हैं। व्हाट अ आर्टिस्ट शी इज। लास्ट टाइम भी जब गोविंदा सर आप आए थे तब मैं ये शेयर नहीं कर पाई थी। मैं बहुत छोटी थी, मैं गोविंदा सर की फिल्म्स देखती थी, मैं बेड पे बैठ जाती थी ऐसे दुपट्टा लेके और दुल्हन बन जाती थी। तो मुझसे पूछते थे तुम दुल्हन हो, मैंने बोला हाँ। मैं बोलती थी हाँ, बोलते थे किसकी दुल्हन हो, मैंने कहा गोविंदा की। Oh.
बचपन से बहुत ज़्यादा मुझे सर के लिए बहुत मतलब मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि ओह गॉड आंसू आ गया ने आपको और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जिस सुपरस्टार को मैंने देखा है डायलॉग्स बोलते हुए और सबसे ज़्यादा मतलब जिस सुपरस्टार को मैंने पसंद किया है बचपन से जब मुझे बोलना भी नहीं आता था तब से और आज वो सुपरस्टार बोले कि वो मेरे फैन है यार मैं सुपरस्टार आज बनी हूँ मुझे लग रहा है थैंक यू सो मच So sweet. Very big round of applause for Neha and Chichi Bhaiya. Outstanding. Beautiful. What a moment. Beautiful, beautiful. अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ चिची को ये गाना जो आपकी आ जाने से इन्होंने किया जी इन्होंने सब हीरोइन लोगों के साथ डांस किया कितने शोज में गए परफॉर्म किया आज तक मेरे साथ नहीं किया अब ये यंग बच्चे गाएंगे और हम यंग डांस करेंगे अरे What a loving, what a historic moment. Sir, आज पहली दफा किसी को टक्कर का नाच करते हुए देखा Outstanding. Outstanding. क्या बात है मैम Sorry, मुझे एक बात बोलनी है अभी मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी और ये जेन्युइन बात है पहली बार ऐसा हुआ है गोविंदा जी स्क्रीन पे हो और नजर बाजू में चली जाए आज मेरी चली गई सच में कैसे कहूँ इतनी सारी फिल्में की है फिल्मों के गाने किए हैं पर आज भी मैं जिस वक्त इसके साथ डांस कर रहा होता हूँ तो मुझसे डांस होता नहीं है ऐसा टूट के प्यार किया मैंने इससे पहला प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है आदमी का और मुझे इसकी मासूमियत से प्यार हो गया था अच्छा मैं बहुत शर्मीला रह चुका हूँ तो मुझे आज भी मैं शर्म से बाहर नहीं हूँ मतलब यही तोड़ती हैं शर्म यही बाहर निकालती हैं मुझे एज ए हीरो में जो एज ए हीरो वर्क कर पाया मैं सदैव धन्यवाद दिया करता हूँ मदर का आज आपसे कहूंगा धन्यवाद है इसे
हम कहते हैं ओ मोमेंट। मैं ठहर गया फिर। थैंक यू विदिप्ता, थैंक यू ऋषि, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कहा इतनी तारीफ कर दी, मैं किस करने लगा था अभी, तो कहती देना पड़ता टीआरपी के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।